गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग को एसके ट्यूटोरियल्स में आज का टॉपिक है आप लोग का फोटोसेल, कि फोटोसेल होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है और वर्किंग क्या होता है, आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। देखिए फोटोसेल, फोटोसेल ये फोटोसेल होता क्या है, पहले ये समझिए कि ये फोटोसेल क्या करता है कि जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोसेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये कहलाता है आपको फोटोसेल। तो आप लोग फोटोसेल समझे होंगे कि फोटोसेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज फोटोसेल। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब सिद्धांत, किस सिद्धांत पे ये वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ फोटोसेल। तो ये जो होता है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या लिखे हैं कि इट्स वर्क या इट्स प्रिंसिपल्स ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो होता है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। तो आप लोग को पहले समझना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो ये आप लोग यानी कि प्रिंसिपल समझ गए हैं कि फोटो सेल का प्रिंसिपल क्या होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करता है। अब देखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। मान लीजिए कि ये आपका एक कोई इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, जब सनलाइट क्या होता है इस पर इंसिडेंट होता है, तो जैसे इस सरफेस पर पड़ता है तो क्या होता है कि लाइट सभी दिशाओं में स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है, कभी कोई इधर कोई इधर कहीं इधर। तो क्या होता है कि जब सनलाइट किसी भी इलेक्ट्रोड्स पर इंसिडेंट होता है तो क्या होता है कि लाइट इस इलेक्ट्रोड से स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, तो वह इफेक्ट जो कहलाता है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। When sunlight is incident on the electrodes, then these electrons या photon spread from these surface, then this effect is known as photoelectric effect। तो आप लोग photoelectric effect समझ गए कि photoelectric effect क्या होता है। अब देखिए इसका construction किसका, फोटोसेल का कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोसेल की, फोटोसेल की बनावट कैसी होती है। तो यह देखिए ये आप लोग देखेंगे,
ये आप लोग देखिए, ये आप लोग का है फोटो सेल का कंस्ट्रक्शन, और यहाँ आपका मैक्रो एम्पियर का एमीटर लगा हुआ है। ये आपका एमीटर है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका ये इलेक्ट्रोड है जिसको कहते हैं कलेक्टर, कलेक्टर। ये आपका जो है ये आपका इमीटर है, ये आपका इमीटर है, ये आपका वोल्टेज सोर्स, और ये जो है आपका अमीटर, मतलब जो क्या होता है वो करंट को मेजर करता है उसको अमीटर बोलते हैं, और ये मैक्रो एम्पियर करंट को मेजर कर रहा है, और ये जो है आपका स्फीयर बनाया गया, मतलब ये बाहर से ग्लास से क्या किया गया है, इसको ढका गया है। देखिए अब इसका कंस्ट्रक्शन में कैसा होता है कि आपको दो इलेक्ट्रोड लिया गया है, एक इलेक्ट्रोड जो है एमीटर है और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है आपको कलेक्टर है। तो ये एमीटर जो आपको कैथोड सी लेते हैं, कैथोड टर्मिनल है, कैथोड इलेक्ट्रोड्स, और ये आपका एमीटर, सॉरी ये इलेक्ट्रोड जो आपका एनोड है। ये आपका जो होता है ये मेटल का बना होता है, ये आपका ये जो होता है ये सेमी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये आपको सोडियम का बना होता है। अब देखिए ये तो आपको हो गया क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन, इधर आपका वोल्टेज सोर्स और ये आपका कलेक्टर। अब इसका वर्किंग देखिए, ये सिंपल था आपका कंस्ट्रक्शन कि दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एमीटर और दूसरा होता है कलेक्टर। एमीटर का काम क्या होता है देखिए, ये क्या होता है कि सनलाइट जो होता है इस पे इमिट होता है, ये आपका सनलाइट है, सनलाइट, ये सनलाइट जो होता है ये कैथोड पर इमिट होता है, मतलब इस पर से यानी कि इस पे जैसे सनलाइट पड़ता है तो ये सनलाइट क्या होता है कि स्कैटर होता है, मतलब यानी कि प्रकीर्णन होता है, ये चारों ओर यानी कि छितराता है। तो क्या होता है कि इस पर इमिट होता है, इसलिए बोलते हैं इमिटर। और ये क्या होता है कि जो इसे इलेक्ट्रॉन्स जो आपको इमिट जो हो रहा है बाहर जो निकल रहा है, तो इसको क्या करता है ये इलेक्ट्रोड आपको कलेक्ट करने का काम करता है, कलेक्टर जो होता है आपको कलेक्ट करने का काम करता है। और जो करंट जो डेवलप होगा उस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ माइक्रो एम्पियर का एक अमीटर लगा दिया जाता है, ये आपका अमीटर है, ये आपका अमीटर है जो करंट को मेजर करते हैं। ये आपका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए कि इसका वर्किंग किस तरह से, ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ फोटोसेल। देखिए क्या होता है कि जब सनलाइट इस पे इंसिडेंट होता है, जब सनलाइट इस पे इंसिडेंट होता है तो क्या होता है कि इस पर से इलेक्ट्रॉन्स आपको स्कैटर होता है, मतलब यानी कि छितराता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसे निकलता है बाहर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर निकलेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है कि ये इलेक्ट्रोड जो है एनोड, ये आपको कलेक्ट काम करता है, कलेक्ट का काम करता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर कलेक्ट कर लेता है। ये आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, ये जो आपको देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल पर कैथोड रहता है, इमीटर जिसको बोलते हैं, और ये जो कलेक्टर जो एनोड जो है आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। जब सनलाइट इस इमीटर पर इमिट होता है तो क्या होता है कि इसे जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उस इलेक्ट्रॉन्स को ये कलेक्टर कलेक्ट करता है, और क्या होता है कि जब यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब इस पे इमिट होता है, इसके कारण आपका एक पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है, उस पोटेंशियल कारण आपका करंट इधर से डेवलप हो जाएगा, जो करंट क्या होगा इससे इधर आएगा। तो ये था आप लोग का वर्किंग ऑफ फोटोसेल। एक बार फिर से देख लीजिए कि वर्किंग ऑफ फोटोसेल किस तरह से होता है। व्हेन सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द इमिटर्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, देन दीज फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम द इमिटर्स एंड द कलेक्टर इज कलेक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड
इट प्रोड्यूस अ करेंट इन द सर्किट एंड द एमिटर इज एंड दिज एमिटर इज मेजर द मेजर दिज इलेक्ट्रिक करेंट इन द माइक्रो एम्पियर। तो ये होता है आप लोग का फोटोसेल का वर्किंग। अब देखिए कि इसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं कि फोटोसेल का यूज कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ होता है। तो ये आप लोग का सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था, वर्किंग और प्रिंसिपल था। आप लोग लाइक करेंगे यदि वीडियो आप लोग को समझ में आएंगे तो। एक लाइक से ही किसी भी टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे आप लोग को सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ फोटोसेल, फोटोसेल का यूज कहाँ करते हैं या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। देखिए कोई भी यानी कि फिल्म जो बनता है तो उसको साउंड को रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं कि फोटोसेल का उपयोग करते हैं। यानी कि जो फिल्म या मूवी में जो साउंड जो दिया जाता है उस साउंड को भी रिप्रोडक्शन करने के लिए फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। रिप्रोडक्शंस ऑफ पाला लिख लीजिए इन मूवी फिल्म टू रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड को रिप्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा ले लीजिए कि अलार्म सर्किट जो होता है, अलार्म में भी क्या होता है कि फोटोसेल का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है कि सेंस की तरह काम करता है। जैसे ही मान लीजिए कि कोई घर में आपको थीप चोर प्रवेश करना चाहता है तो ये अलार्म जो होता है आपको क्या करता है कि बेल करने लगता है। मतलब आपको ये अलार्म बजने लगेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, चोर को पकड़ सकते हैं। तो अलार्म में भी आपको फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। और अब आज के समय में जो देखते हैं कि वीडियो कैमरा में जो आपको बढ़िया जो आपको फोटो जो आता है उस फोटो को यानी फोटोग्राफ करने के लिए भी फोटोसेल का यूज किया जाता है। यानी HD फोटो करने के लिए, HD फोटो में लेने के लिए आप फोटोसेल का उपयोग करते हैं। तो ये था आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ फोटोसेल। यहाँ लिख देते हैं इन फोटोग्राफर में भी यूज करते हैं इन फोटोग्राफर ऑफ कैमरा, या सीधा लिख दीजिए इन फोटोग्राफर में यूज करते हैं कैमरा के फोटोग्राफर में। तो ये आप लोग का तीन आपको यानी कि एप्लीकेशन बताएं, और सारा भी एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका कौन से यानी कि कौन सा इफेक्ट पर ये काम करता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, VBA है। ये आप लोग के सेमेस्टर के एग्जाम में भी आता है, बहुत सारे यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस पर भी इससे यानी कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, और यदि कहीं भी और समझने में दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट्स करेंगे और आपकी सारी कमेंट्स को हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये था आप लोग का फोटोसेल। थैंक यू।